हिंदू युवक की मुस्लिम पत्नी ने मीडिया के सामने किया बड़ा खुलासा। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कही बड़ी बात। हैदराबाद के सरूर नगर में दलित युवक नागराजू की हत्या कर दी गई। हत्या की वजह दूसरे धर्म में शादी को बताया जा रहा है। नागराजू ने 3 महीने पहले मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी की थी। इस शादी से लड़की के परिवार वाले खुश नहीं थे। नागराजू के परिवार के मुताबिक ये हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। इस पूरे प्रकरण पर आज तक ने नागराजू की पत्नी से बात की। उन्होंने जो बताया वो हम आपको बताएंगे। मुझे ये था कि नागराजू से शादी करने पर मेरे भाई मुझे भी मार देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे पति की जान ली। मैंने शादी से पहले राजू को समझाया था कि मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं, वो तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन राजू ने कहा कि हम दोनों साथ में रहेंगे और मरेंगे भी साथ में। नागराजू ने कई बार मेरे परिवार से शादी की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसने मेरी माँ को यहाँ तक कहा था कि वो इस्लाम धर्म अपना लेगा, इसके बावजूद उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। पुलिस के मुताबिक नागराजू की हत्या उस वक्त हुई जब वो अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे। खबरों के मुताबिक हमलावरों ने किसी धारदार हथियार से नागराजू पर हमला किया था। इस पर सुल्ताना ने बताया कि रोड क्रॉस करते वक्त मेरे भाई ने राजू पर अटैक किया। 20 मिनट तक मेरे हस्बैंड को बहुत मारा गया। उस दौरान किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। मेरे पति की जान जाने के बाद सब लोग इकट्ठा हुए और आधे घंटे बाद पुलिस आई। सुल्ताना ने आगे बताया कि मैं अपने राज को नहीं बचा सकी, लेकिन अगर सब लोग मिलकर हमारी मदद करते तो आज राजू जिंदा होता। समाज ऐसा है कि जब किसी की जान जा रही होती है तो वो मदद नहीं करता। नागराजू की हत्या 4 मई को की गई थी। पुलिस इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है जो नागराजू की पत्नी के परिवार से संबंध रखते हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स लगातार प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, लड़का मुसलमान होता और लड़की हिंदू होती तब लव जिहाद बोलकर कौन मारता है, ये भी गलत हुआ वो भी गलत है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशन यही सब तो सिखाते हैं। आरोपी को वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा बजरंग दल के गुंडों को मिलती है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, आज इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही। तो वहीं एक और यूजर ने कहा, आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। नागराजू के परिवार और सुल्ताना के बारे में सुनकर अफसोस हुआ। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये कपल भी नफरत का शिकार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक पहुँचती रहे।